गाइस वेलकम बैक। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं मूवी ट्रेलर और ये मूवी का नाम है उड़ान। और ये हिंदी में एक्चुअली तमिल वर्जन का है सूररे पोट्रो, जिसमें इट्स अ सेम मूवी। आई थिंक इट्स जस्ट दैट दे हैव रीडब इट फॉर हिंदी ऑडियंस। ये मूवी अमेजॉन प्राइम पे आएगी April 4th को। ज़्यादा दिन नहीं है, बस 3 ही दिन है। तो इसमें सूर्या और अपर्णा तो वो एक्टर्स। तो एक काम करते हैं, मिनट टाइम में चलिए इस ट्रेलर को देखते हैं, रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करने से पहले मैं आपको चलना चाहता हूँ, अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना, तो बिल्कुल आप बोले वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। चलिए देखते हैं इस ट्रेलर को। नीडू मारो नाम के आदमी को जानते हैं? रोको, एक किसान भी हवाई जहाज में बैठेगा। अबे हंस मत, हालांकि मैं ये कागजात साइन कर सकता हूँ पर मैं ऐसा करूंगा नहीं। अब हम क्या करेंगे? सिर्फ 4 करोड़ चाहिए। तुम पहले हो जो हवाई जहाज के लिए कर्जा ले रहे हो और आप 1000 रुपए में दिल्ली का टिकट बेचकर प्रॉफिट कमाएंगे। 1000 नहीं 1 रुपए में। लगता है कौड़ियों के दाम बिक जाएगा। निकल जाओ यहाँ से। क्या आपकी जान की कीमत एक कटिंग चाय से भी कम है? एयरलाइंस के लिए ज्यादा पैसे लगेंगे। पैसों का इंतजाम हो जाएगा। हू मच? 24 बैंकों ने तेरा लोन रिजेक्ट कर दिया, पहले उस बारे में बात करें। दुनिया हम दोनों को सिर फेरा समझती है, क्यों ना हम शादी कर ले? हम अपनी फ्लाइट्स को लाइट रखेंगे, नो एक्स्ट्रा फूड, नो एक्स्ट्रा स्टाफ। इस वेट के बारे में क्या ख्याल है? 1 रुपए में प्लेन की सैर करवाएंगे? इम्पॉसिबल। तेरे सपने जरूर साकार होंगे बेटा। देश को अपना दुश्मन बना बैठे हो, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैंने तुझसे कहा था ना, ये लड़का तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। उसका प्लेन यहाँ लैंड नहीं होना चाहिए। आसमान तेरे बाप का नहीं है, मेरा प्लेन लैंड होकर रहेगा। दस मिनट से ज्यादा परेश ने तुमसे बात नहीं की होगी और तुम्हारा सब कुछ हथिया लिया। इस इंडस्ट्री को तुम जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। इंटरेस्टिंग डेफिनेटली है। जब तमिल में देखे था इट वॉज वेरी मच नॉट, इतना क्लियर नहीं था वो। सो दिस इज रियली हेल्पिंग, सो इट्स अ गुड वे। नाउ आई हैव अंडरस्टूड मोर क्लियरली राइट। सो इट रियली हेल्प्स टू लाइक हिंदी में लाइक सी दिस मूवी इज टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक जो है ना, दिस शुड नॉट बी लिमिटेड ओनली टू दैट एक लैंग्वेज में, बिकॉज द मैसेज इज ब्रॉडर। वो जो मे बी इट्स बेस्ड ऑन है या प्रॉपर बायोपिक है, आई एम रियली नॉट श्योर अबाउट दैट, बट इट इज बेस्ड ऑन रियल इवेंट राइट। वो जो डेकन है ना, एयरलाइन है ना, तो उनके ऊपर बेस्ड है। तो दैट्स वाई यू नो आई फील दिस इज अ, दिस हैज अ ब्रॉड रेंज ऑफ ऑडियंस। सो इट्स अ रियली गुड थिंग ये हिंदी में आया है। So this will reach more now all over India. It's become a pan India movie, right? So many people understand, like, you know, even I was able to hardly understand like 50% of the dialects, because 50% were going over the air for me also. So now really it feels good to... Story content jo hai bahut hi achhi lag rahi hai, and it is something different, and you're saying it's based on true event. Yeah. So I'm really like, you know, aisa kuch hua tha? Was there so many even things. A try of such kind, like, you know, नहीं मुझे मुझे तो पता नहीं था। या दिस काइंड ऑफ थिंग इज समथिंग लाइक यू नो एंड होगा नहीं काइंड एट लोएस्ट कॉस्ट यू नो प्लेन में अगर अगर कोई स्टार्ट भी कर रहा है कुछ और चीज़ लाइन ऑफ बिजनेस होती है तो ठीक है, मगर एयरलाइंस में द सिंस द कॉम्पिटिशन द काइंड ऑफ यू नो उसमें जो होता है जितना इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, आई थिंक उस हिसाब से जो स्टोरी इन्होंने लाई है एंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू बिल्ड अप एंड द काइंड ऑफ इंटेंसिटी दे हैव एडेड एंड द क्लैशेस ही विल गो अराउंड एंड यू नो व्हाट ही हैज टू फेस इट एंड ही विल बी फेसिंग इट यू नो कन्विंसिंग फैमिली कन्विंसिंग द वर्ल्ड इट इज लाइक ऑल ओवर ही इज फाइटिंग इट इज काइंड ऑफ इट इज नॉट दैट फिजिकल फाइटिंग बट इट इज़ अ काइंड ऑफ एन ईगो द आइडेंटिटी के ऊपर। सो दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि कैसे एक इंसान यू नो
boldly he can take such kind of a step and will he come out of it successfully. Yeah, definitely. So this is something I mean it's a very inspiring kind of a story thing, right? So it's not like that's the thing, it's all about emotions, right? Once maybe for your like ek dukhi rag hoti hai like suddenly ki kuch ho gaya family mein. Maybe you would have thinking like ab maine train se travel karna to yahan like let's say from Bangalore to Delhi maybe 3 din lag jate hain, right? So if wahi flight mein we could go in 2 hours, right? So maybe there is some certain operations, so yeah, I'm just taking a situation like just to like speculate here, that's all. So like 2 ghante mein ja sakte hain, to like 3 days kahan, 2 days ka, and then because of that 2 ghante mein ja sakte hain, to there the price is very high, so how can he bring down, right? So that's what he's trying to like, he is maybe emotionally involved for the villagers ke liye, so that is what is driving him. And also like uspe suddenly bole ke start karne ke liye 4 crores chahiye, and then how will he get that kind of money? So that's the thing, right? He wants to help who cannot afford it, and he want to make it affordable. So it's a very interesting topic. Isi tarah I am very interested for one of the personality jiska movie I would really want to see, wo hai Ratan Tata. Wow. Right? Like because he also challenged and he wanted to bring Tata Nano car tha na, like us time he wanted to make a car which is affordable and reachable to everyone. Thode saal ke liye to definitely, right, many people had bought it for 1 lakh rupaye ki car, but it did at the long time it did increase the price, but jinhone bhi 1 lakh ko car le li unhone unki to mauj hi mauj hai, but people, that is what some people could afford that time, right? So something, there is something emotional connect and you can connect with it. So it's a very broad subject hai, that's why I really love this trailer. Anyways, ye the hamare thoughts. Hopefully aapko hamara ye reaction and review acha laga, definitely give a thumbs up, and don't forget to hit the subscribe button, hit the notification icon, and share this video with your family and friends. तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं. बहुत जल्द हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में. टिल देन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड. बाय बाय.